दोस्तों आईपीएल साल 2021 का यूएई लेग अब अपने अंतिम चरणों के ऊपर आ चुका है। केवल दो ही मुकाबले हमें देखने को मिलने वाले हैं जो कि आईपीएल के सीजन के अंदर अब बचे हैं। काफ़ी अच्छा ये सीजन रहा है बीसीसीआई की दृष्टि से, चाहे किसी भी दृष्टि से हो, चाहे फैंस के मान ले, चाहे कुछ भी मान ले। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि क्वालिफायर 2 होने वाला है कल, जो कि दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच में होने वाला है। खैर दोस्तों आगे आज हम वीडियो में बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में, टीम की केकेआर की टॉप अपडेट्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जहाँ दोस्तों अपडेट्स के अंदर मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल अपडेट लेकर आया हूँ केकेआर मैनेजमेंट की तरफ से, साथ ही साथ आंद्रे रसल के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो क्या है इन अपडेट्स के अंदर और दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट क्वालिफायर 2 के अंदर क्या इनका जो है पर्सपेक्टिव है, क्या इनका प्लानिंग रहने वाली है, सब कुछ आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो क्या फायदा क्या नुकसान इन अपडेट्स चलते केकेआर को होगा, तो वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने फेज 2 के अंदर सभी को अपनी परफॉर्मेंस से चौंका है, इम्प्रेस किया है। शायद ही कोई ऐसा होगा, चाहे फैन हो चाहे राइवल हो, उनको केकेआर की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई होगी। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है साल 2022 का जब सीजन स्टार्ट होगा तो केकेआर को किन किन प्लेयर को रिटेन कर लेना चाहिए। खैर टॉप अपडेट्स की अगर बात करें तो पहली अपडेट आ रही है केकेआर मैनेजमेंट की तरफ से। तो यहाँ केकेआर मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो अगर दोस्तों आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हो तो अभी हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर देना। खैर अगर न्यूज़ की बात करें तो यहाँ दोस्तों केकेआर मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि आईपीएल के साल 2021 के सीजन के अंदर केवल दो ही मुकाबले बाकी रह गए हैं। और यहाँ एक और अपडेट उनकी तरफ से ये बाहर निकल गया है कि अब हमारी टीम जो है, हमारी जो मैनेजमेंट का स्टाफ है, वो फ्यूचर के ऊपर प्लान करना स्टार्ट कर चुका है। प्लानिंग काफ़ी टाइम पहले से ही चल रही थी बट अब इसको और ज़्यादा सीरियसली ले चुका है, क्योंकि यहाँ पर बीसीसीआई ने बता दिया है कि जो दो नई टीमें आने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मजबूत होने वाली है, क्योंकि उनका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, उनकी प्राइस बिडिंग भी काफ़ी हाई होने वाली है। खैर दोस्तों केकेआर की टीम की मैनेजमेंट ने ये साफ कर दिया है कि मेगा ऑक्शन के अंदर वो काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर टारगेट करेगी, जो कि बहुत स्वाभाविक सी बात है। बट प्लेयर रिटेंशन को लेकर एक बड़ी अपडेट हमारे हाथ लगी है, जहाँ उन्होंने बताया है कि केकेआर की टीम अभी प्लान कर रहा है केवल दो ही खिलाड़ियों को रिटेन करने का। और कौन से हैं ये दो खिलाड़ी? दोस्तों एक खिलाड़ी होने वाला है या तो वेंकटेश अय्यर या फिर होने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों शुभमन गिल। अब इन दो खिलाड़ियों के अलावा जो एक और खिलाड़ी केकेआर की टीम यहाँ रिटेन करने वाली है वो होने वाला है कोई ओवरसीज खिलाड़ी। तो अभी यही अपडेट है प्लेयर रिटेंशन को लेकर। खैर आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से प्लेयर केकेआर को रिटेन करके रखने चाहिए साल 2022 के सीजन के लिए। अगली अपडेट आ रही है आंद्रे रसल को लेकर। तो यहाँ काफ़ी सारे फैंस का ये सवाल होगा, भले ही केकेआर की टीम जीत गई बट उनके फेवरेट रसल द मसल कहाँ है, क्या वो फिट है, क्या अगला मुकाबला खेलेंगे और खेलेंगे तो क्यों नहीं खेलेंगे। वह दोस्तों काफ़ी सारे सवाल होंगे, फिट नहीं है तो क्या हो गया है, कब फिट होंगे। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर रिसेंटली जो ये पूरा डिसीजन था ये ओयन मॉर्गन के ऊपर था। ओयन मॉर्गन ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि हम शारजा के अंदर ही खेल रहे हैं, तो हम यहाँ पर टीम का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। इस मोमेंट के ऊपर अगर टीम का कॉम्बिनेशन बिगड़ता है तो हमारे यहाँ पर केवल और डाई मुकाबला है, हम बाहर हो जाएंगे लीग से। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये जो डिसीजन है ये खुद से तो लिया ही बट इसके अंदर आंद्रे रसल की सहमति भी ली। वो आंद्रे रसल के पास गए, उनसे बातचीत की कि आप एक सीनियर खिलाड़ी हैं तो मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप टीम के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो, एक ऑलराउंडर प्लेयर हो। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या आप खेलना चाहोगे? तो यहाँ दोस्तों आंद्रे रसल ने साफ बात बोली कि यहाँ मुझसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीम है और जिस सिचुएशन में, जिस लेवल पर अभी हम खड़े हैं, वहाँ जीत और जीत, केवल केवल जीत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखती है। चाहे मैं जिताऊँ आप जिताओ, टीम जीतने चाहिए कुल मिलाकर, ये बात है। तो दोस्तों आंद्रे रसल के इस जेस्चर के बाद यहाँ पर जो ओयन मॉर्गन है काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आए। बट दोस्तों ओयन मॉर्गन का भी दाद देनी पड़ेगी कि यहाँ दोस्तों इन्होंने एक मजबूत टीम बनाई है, वो भी आंद्रे रसल के बिना। तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है क्वालिफायर 2 के अंदर आंद्रे रसल को खिलाना चाहिए या फिर सीधा फाइनल के अंदर खिलाना चाहिए। तो ये थी टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी जरूर लाइक करो।